नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी नेता चुन लिए गए। 21 नेताओं ने पीएम मोदी के साथ विक्ट्री साइन लिए, ग्रुप तस्वीर खिंचवाई, फिर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम पद पर काबिज होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही नेता। मोदी ही एकमात्र भरोसा। एनडीए की ताकत नरेंद्र मोदी से ही है, उन्हीं पर विश्वास है। समूचा विपक्ष एकजुट होकर पीएम के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोला, पर सब मिलकर भी मोदी को तीसरी पारी से सत्तासीन होने से नहीं रोक पाए। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास में हुई एनडीए नेताओं की एक तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। 21 नेता और केंद्र में नरेंद्र मोदी, सभी विक्ट्री साइन दिखाते हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद एनडीए नेताओं की एकजुट ये तस्वीर संकेत दे रही है कि चट्टान की तरह सभी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। एनडीए की बैठक के बाद की ये जो तस्वीर सामने आई वो बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले पीएम मोदी हैं, उनके ठीक बगल में खड़े हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी अपने ठीक सामने खड़े जेडीयू सांसद संजय झा से बात कर रहे हैं। संजय झा नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं। संजय झा के बगल में जेडीयू सांसद ललन सिंह और दूसरी तरफ खड़े हैं एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस बिहार पर ही रहने वाला है। जेडीयू ने अपनी ताकत दिखाते हुए सत्ता में एनडीए को वापसी कराई है। प्रधानमंत्री के साथ खड़े जेडीयू नेताओं के साथ चिराग की गंभीर मुद्रा में तस्वीर भी बता रही है कि 100% स्ट्राइक रेट से जीतने वाले चिराग की अहमियत भी कम नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और समझिए मोदी के ही नेता चुनने के मायने। पीएम मोदी के चेहरे पर ही एनडीए को जीत मिली है और लगातार तीसरी बार मोदी सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ऐसा करने वाले नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। और 21 दलों के साथ एनडीए के नेता चुनावी मैदान में थे और पीएम के दम पर ही एनडीए एक बार फिर से सत्ता में पहुंची है। समझने वाली बात यह है कि एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना गया। सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी नेता चुने गए। 21 दलों के नेताओं ने उन पर हस्ताक्षर किए। लगातार तीसरी दफा मोदी पीएम बनेंगे और 8 जून को मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। बढ़ते आगे, 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024